खबर बिहार के पटना से है, जहां 200 से ज्यादा लोगों को एक्सपायरी डेट का खून चढ़ा दिया गया है। दरअसल इस मेकर से 700 रुपए में ब्लड खरीदकर डिमांड के हिसाब से 5 से 10 हज़ार में एक खून बेचा जाता था, जिसके बाद ब्लड का स्टोर घरेलू फ्रिज में सब्जी रखने वाली जगह में किया जाता था। वहीं पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम को छापेमारी के दौरान 44 पैकेट खून बरामद हुआ है, जिसकी जाँच कराई जा रही है।